हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा का पार्ट नंबर 1 फ्री हायर मैथ के कोर्स के अंदर क्लास नंबर 16। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको अर्थमेटिक भी फ्री पढ़ाया जा रहा है और वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग वो भी फ्री पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा हायर मैथ भी फ्री पढ़ाया जा रहा है। सबके लिंक, सबकी क्लास का शेड्यूल आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, या फिर आप इस यूट्यूब चैनल के साथ ज्वाइन होकर वन बाय वन सारी क्लासेस का लिंक आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और एक एक कहानी के लिए आपको पीडीएफ वगैरह यहाँ पे इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है, उसकी पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसके अलावा सीडीएस, एफकैट या सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या रेलवे या किसी और एग्जाम के अगर आप पीवाईक्यू सर्च कर रहे हो तो आप उसके साथ मेरा नाम जरूर अटैच कर दो बलविंदर, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी वहाँ पे अवेलेबल यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो भी आप फ्री में चेक कर सकते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं सबको बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने टेस्ट बुक का पास बाय नहीं किया तो वो टेस्ट बुक का पास बाय कर लो। आपको इस रेफरल कोड से जाना है। इस रेफरल कोड से जाने का फायदा क्या होगा, जितनी भी अमाउंट होगी उसके ऊपर टोटल आपको 25% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप इस रेफरल कोड से जाएंगे। वैसे तो 450 या 500 रुपए का प्राइस है, बट अगर आप इस रेफरल कोड से जाएंगे तो 374 का मिलेगा आपको, और वो भी टोटली 18 महीने का प्लान है, 18 मंथ मतलब 1.5 ईयर का, जिसके अंदर आपको सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सबके यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सब एक पोर्शन की, हर एक पोर्शन का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप टेस्ट देके अपनी प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं। इस कोर्स की बात करें, इस कोर्स के अंदर आपको हर एक कहानी यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, एक एक क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। जितनी भी क्लास अभी आएंगी हायर मैथ के ऊपर, मैं ट्राई करूंगा आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाए, ताकि हमारी क्लास बीच में जो इंटरनेट की वजह से खराब हो रही थी उसको हम यहाँ पे साइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे बच्चे इसका बेनिफिट यहाँ से आके ले सकते हैं। अलजेब्रा जो है वो सीडीएस के लिए कितने लेवल तक होगा, टेरिटोरियल आर्मी के लिए कितने लेवल तक होगा, या फिर एसएससी के लिए कितने लेवल तक पढ़ना है, सारा कुछ हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि आप क्लास को पूरा एंड तक जरूर लगाएं, तभी आपको समझ आएगा। हो सकता है एक छोटा सा क्वेश्चन देख के लगे कि यार सर ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। आपको हर एक मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, हर एक टाइप भी समझाऊंगा, शॉर्टकट लॉन्ग कट सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इफ हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 1/a+1, यहाँ पे दे रखा है मेरे पास यहाँ पे b+1, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये वाला डाटा हमने फाइंड करना है। ध्यान रखें, जब डिनोमिनेटर की बात करेंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेम है। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेम है। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होगा, उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, दैट इज एड 1 या फिर सब्ट्रैक्ट 1, क्लियर। ये आपने याद रखना है, यहाँ एड 1 होगा या -1 होगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक बार बताता हूँ कि हमने देखा यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या लगेगा, एड 1 -1। आप ऊपर वाले पोर्शन को यहाँ पे चेक करो, अगर मैं इस वाले पोर्शन में से -1 कर दूं और आगे जो 1/b+1 इसमें से भी -1 कर दूं, तो इक्वल टू साइड भी तो मुझे -1 -1 करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड है, मैंने 2 बार -1 किया है, तो राइट साइड भी 2 बार -1 करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस रहेगी इक्वेशन। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसके एलसीएम लोगे, यहाँ पे a+1 ऊपर आएगा मेरे पास 1 - a- यहाँ पे -1 प्लस यहाँ पे आएगा 1/b+1। जब आप ऊपर एलसीएम लेंगे -b - 1 आएगा, और इसके बराबर कितना हो जाएगा, इसको इससे कट करेंगे तो ये आएगा -1, क्लियर। अब इसके अलावा आप चेक करो, डिनोमिनेटर में a+1 आएगा क्योंकि ऊपर तो ये कट गया, यहाँ पे आएगा -a। यहाँ पर भी आप चेक करो -b, नीचे आपके पास आएगा b+1 क्योंकि ये इससे कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। अब यहाँ पे आप सारे बच्चे चेक करो, इन दोनों में से ना माइनस कॉमन निकाल लो। अगर आप यहाँ पे सारे बच्चे चेक करोगे, यहाँ पे आप माइनस कॉमन निकालोगे, तो माइनस कॉमन निकालते ही आपके पास प्लस का, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन निकालने के अंदर बीच प्लस का आएगा आइकन, तो यहाँ पे माइनस से देखो ये वाला माइनस कट जाएगा, और हमारे पास इसका डाटा जो हमसे पूछा गया है उसका डाटा किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्योंकि हमने यही पूछा ना कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये 1 के बराबर आ गई। अब हमें चेक करना है कि हर बार माइनस होगा, नहीं हर बार माइनस नहीं होगा, कई बार +1 भी होगा। मस्ट रिमेम्बर, आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए, क्लियर। अब ये कहानी होगी हमारी बेसिक, बेसिक करना जरूरी है, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं डायरेक्ट भी इसको वैल्यू से कर सकता हूँ, बट हमें दोनों ही सीखने हैं। अभी के लिए देखो वैल्यू पुट भी हम सीखेंगे, इसको नोट कर लेना। अगर मान लो आपको लग रहा है स्पीड ज्यादा है तो आप क्लास को रिकॉर्डिंग में बार बार देख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप चेक करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर मुझे पता है ये वाला डाटा है, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज अभी सीखनी है हमने। आज ही से शुरू कर देंगे, कल परसों शुरू नहीं करेंगे, आज ही से शुरू करेंगे हाउ टू पुट ए वैल्यू, ठीक है। मान लो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है, ऐसा क्यों माना,
यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 यहाँ पे कितना आएगा, 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2। तो आप सारे बच्चे चेक करो 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब ए और बी हमने 1 1 सही माना है। इसी ए और बी को यहाँ पे रख दो, जब हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे भी चेक कर लो, यहाँ पे सारे बच्चे जब ए और बी को 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी देखो 1 बाय 2 1 बाय 2 आ रहा है, तो आंसर 1 आ रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर अभी अभी मैंने सॉल्व करवाया था 1 आ रहा था, 1 हमारा उत्तर हो गया। मतलब कहने का ये हुआ कि आप अपनी ए और बी की वैल्यू को जब आप यहाँ पे फिल करोगे, फिल करने के बाद इसको जो भी पोजीशन सेटिस्फाई कर देगी, वही पोजीशन यहाँ पे फिल करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो सही होगा। बट अगर वो यहाँ पे पोजीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यू हैव टू चेंज योर वैल्यू। समटाइम वैल्यू से आपको सोचनी पड़ेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, उसके लिए आपको बेसिक भी करना पड़ेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकेंड के ऊपर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये रहा, अब आपको देख के पता चल, अगर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, अदरवाइज आपको देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास, सेम है। अगर बेस सेम है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस वन प्लस वन, तो ऊपर वाले पोजिशन से मैं माइनस वन कर देता हूँ। ठीक है, आप सारे बच्चे इसको जरा प्रॉपरली नोट कर लेना, मैं सिर्फ एक को नोट कर रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे जैसे माइनस वन मैंने यहाँ पे और यहाँ पे किया, और यहाँ पे भी मेरा माइनस तीन होगा। मैं सिर्फ इस वाले को सॉल्व करके देख लेता हूँ, जब मैं एलसीएम लूंगा तो सारे बच्चे चेक कर लो, यहाँ पर ये वाला वन और ये वाला वन कट जाएगा, तो माइनस ए माइनस ए बाई ए प्लस वन आएगा। मतलब यहाँ पर मैंने सॉल्व करके देखा तो ये डाटा आ रहा है माइनस करने पे, बट ये डाटा आने के बाद आपको एक चीज समझनी होगी, ये माइनस में आ रहा है, ऐसे ही आपके पास ये भी माइनस में आ रहा होगा, फिर ऐसे ही आपके पास ये भी माइनस में आ रहा होगा, फिर सबका माइनस क्या करें, कॉमन निकाल लें। तो इधर देखो 1 माइनस 3 था, तो ये कितना आएगा माइनस 2, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे। आप सारे स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं अभी के लिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2। क्लियर? आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वैल्यू की। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी आप यहाँ पर ए को 1, बी को 1 और सी को 1 रख के चेक करें, अदरवाइज कोई और वैल्यू सोच सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे आप कोई और वैल्यू भी सोच सकते हैं। अगर आप कोई और वैल्यू सोचोगे और सोचने के बाद चेक करो क्या ये आंसर आ भी रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 रखी है, आप यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1, ये कितना हो गया 1 बाय 2, ये भी 1 बाय 2, ये भी 1 बाय 2, जब आप ऐड करोगे ना ये 3 बाय 2 आएगा, ये 1 नहीं आएगा, इसका मतलब वैल्यू हमने गलत सोची है। फिर इसका मतलब आपको यहाँ पे वैल्यू सोचनी पड़ेगी और भी, वैसे तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, बट अगर आपके सोच में ना आए तो बेसिक से करना मेरे ख्याल से फायदेमंद होगा। ठीक है, आप वैल्यू को यहाँ पे अगर 2 रखोगे तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये डाटा कितना आ जाएगा मेरे पास 1 बाय 3, 1 बाय 3, 1 बाय 3 इक्वल टू देखो 1 आ रहा है और ये भी 1 के बराबर है। आप इसको सॉल्व करके देखो ये 1 ही आएगा, इसका मतलब ए बी सी कितना है 2 2 है, यहाँ पे फिल कर लो 2 बाय 3, यहाँ पे आएगा 2 बाय 3, यहाँ पे भी 2 बाय 3, इसको ऐड करेंगे 6/3 का मतलब हो गया 2, 2 आपका आंसर है। मतलब समझ आ गया ना वैल्यू पुट करके हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर मैंने आपको बोला था जैसे एड 1 सब्ट्रैक्ट 1 है, सारी टाइप में इसी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे आपके पास बेस जो है वो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा, बेस आपके पास सेम हो रहा है, सारे बच्चे जरा चेक करो, ये आपको चेक करना पड़ेगा अपने आप ही। अगर यहाँ पे ये सारे का यहाँ पे बेस सेम है तो पहला ऑप्शन उठा लो, पहला है मेरे पास यहाँ पे 1 एक्स प्लस 1, माइनस 1 करके देखें तो आपके पास आएगा माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये कट जाएगा, एक्स प्लस 1 आएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1, और जो चाहिए वो बन रहा है बट माइनस में। तो हमने इतने क्वेश्चन कर लिए अब तक, तो आपको याद ही हो गया होगा कि यहाँ पे हर एक का क्या होगा, माइनस क्या आएगा यहाँ पे, कॉमन आ जाएगा। क्लियर है का डाटा या नहीं, क्लियर है डाटा? मैं आपको अभी आपकी कंफ्यूजन जो है वो अभी दूर करता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। ये डाटा आएगा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, सर मैंने माइनस 1 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे किया 4 बार, तो 4 बार माइनस इधर होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा, बट ये माइनस है, माइनस वाले को जब मैं उधर लेकर जाऊंगा तो इस पोजीशन का आंसर कितना हो जाएगा, माइनस 3 होगा। यही आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कन्फ्यूजन क्या होती है, कन्फ्यूजन ये होती है सर जो हमारे पास 1005 है, एक्स प्लस 1005 है, सर इसमें भी माइनस 1 होगा या इसमें माइनस 1005 होगा, इसमें भी माइनस 1 होगा भैया, क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लोगे, जरा एलसीएम लेके चेक कर लो, मैं सिर्फ एक वेरिएबल को सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप जरा चेक करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर एलसीएम एक लेने से यही वेरिएबल ऊपर आ जाएंगे ना पूरे के पूरे, और यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे 1005
5 को हमने यहाँ पे माइनस नहीं करवाना था, माइनस हमारा 1 ही होगा और यह वाला वेरिएबल आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा हमारे पास यहाँ पे माइनस 3 होगा। कई बार माइनस में आएगा आंसर, कई बार प्लस में आएगा, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन CDS SSC में आ चुके हैं और काफी हाई फाई समझे जाते हैं। बट आप देखो बेस सेम दिख रहा है सबको, अगर बेस सेम है तो माइनस 1 प्लस 1, आप सारे बच्चे यहाँ पे माइनस वन होगा, माइनस 2 नहीं होगा, माइनस वन करेंगे यहाँ पे अप टू सो ऑन करते जाएंगे, फिर यहाँ पे माइनस 1 कितनी बार माइनस 1 करना पड़ेगा, 1004, तो इधर भी इतनी बार आपको यहाँ पे माइनस 1 करना पड़ेगा। सर यहाँ से हिंट मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा, आप चेक करोगे 1004 है, पहले यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था, कितनी बार माइनस 1 करना पड़ेगा, 1004 बार आपको माइनस 1 करना पड़ेगा। और माइनस 1 करने के बाद हर एक कंडीशन का जो भी आपके पास वेरिएबल आएगा किस में आएगा, माइनस में आएगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, -997 के बराबर, और ये माइनस इससे कट जाएगा तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा, 997 के बराबर। ठीक है, एक बार सारे बच्चे इसी क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करें, आपको प्रॉपरली समझ आएगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर तक आ चुके हैं, कोई स्टूडेंट इसका ध्यान रखे, इसकी पीडीएफ मैं सेंड नहीं करूंगा टेलीग्राम पे, इसको अपनी कॉपी पेन पे आप खुद भी नोट कर सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आप आराम से नोट कर सकते हैं, जो बाकी क्वेश्चन है वहां पे उनको मैं आपको पीडीएफ वाइज सेंड करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद ही नोट कर लेने। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की अगर मैं बात करूं, सिमिलर क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर ट्राई कर लो यहाँ पे। ठीक है, जिन्होंने ट्राई कर लिया गुड है, जिन्होंने नहीं किया वो ध्यान रखें, अभी बेस सेम है, माइनस 1 होगा, यहाँ पे आप सारे बच्चे जब माइनस 1 करोगे बाकी सारा कुछ कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे भी एक्स प्लस 2, हर एक के अंदर माइनस 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 आता रहेगा, माइनस 1 यहाँ पे, माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1, यहाँ पे भी माइनस 1। ठीक है, सो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे माइनस कितनी बार करना पड़ेगा, 2019 बार करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 2019 बार करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस 1 होगा, तो इसके वेरिएबल किसके बराबर आएगा, प्लस के 1 के बराबर है, बट ड्यू टू द माइनस इन देयर, सो माइनस जब यहाँ पर इधर आएगा तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 1 हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, माइनस का 1। क्लियर, एक बार दोबारा से नोट करो, कई बार स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि सर अगर माइनस एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे प्लस का 1 है तो एक्स की वैल्यू माइनस 1 क्यों हो जाती है। एक्चुअली में इसका छोटा सा रीजन है, छोटा सा रीजन क्या है वो आपको समझना होगा, माइनस है ना यहाँ पे, तो ये वाला माइनस हम 1 भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये वाला माइनस है इसको डिनोमिनेटर में ले आ सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम माइनस वन से रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर माइनस 1 नीचे प्लस 1 हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस 1, मतलब अगर लेफ्ट साइड माइनस है तो राइट साइड लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ तक आपके पास एक टाइप है वो खत्म हो गई है, क्वेश्चन नंबर टाइप है सेकंड के अंदर आपके पास नए क्वेश्चन आएंगे अभी। ठीक है, टाइप पहली खत्म, टाइप नंबर 2 ये आप सभी बच्चों ने याद रखने, ऐसा क्यों हुआ मैं सारा समझाऊंगा, पहले आपने याद रखने। क्लियर, क्या याद रखने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी बी सी सी ए, अगर हुआ तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 होगा, सर 1 होगा और भी ले सकते हैं भाई, इक्वल टू लोगे तो 2 भी ले सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी, जो मर्जी, बट एक रखने से क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाए। जैसे कि ये हुआ कैसे, सबसे पहले आप यहाँ पे खुद चेक करो, ए बी सी को मैं 1 लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1 का स्केयर कितना आएगा 3, इधर ए इंटू ए है 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो ये भी आएगा 3, इसके बराबर आ रहा है, तो मतलब 1 रखने पे ठीक है का, आप 2 रखो तो भी ठीक आएगा, 3 रखो तो भी ठीक आएगा, बट ये आपके पास मैंने वैल्यू से तो समझा दिया कि इसके बराबर होगा, बट बिना वैल्यू के कैसे समझे हम, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस कंडीशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट साइड, 2 से मल्टीप्लाई करना है राइट साइड। ठीक है, अब जब ये वाला 2 आपके पास 2a स्क्वायर है, उसमें से a के स्क्वायर यहाँ पे लिखा, इस वाले को इधर ले आए हम 2ab, और यहाँ पे ये 2b स्क्वायर है तो 1b स्क्वायर यहाँ पे लिखा, प्लस 1b स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे जो बच गया, और यहाँ पे इसको हम इधर ले आएंगे ट्वाइस माइनस bc, और यहाँ पर ये c का स्क्वायर 2 बार है तो एक बार c का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे और दूसरा c का स्क्वायर ये रहा, ये वाला डाटा हमारे पास इधर आ गया,
प्लस ए का स्क्वायर। ये ए का स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे दो बार ए का स्क्वायर था, एक बार तो लगा दिया पहले, दूसरी बार बचेगा इसके बराबर, और ये डाटा इधर आएगा तो जीरो के बराबर होगा। अब सारे बच्चे चेक कर लो, ये डाटा हमारे पास किसके बराबर है, ए माइनस टू का स्क्वायर, ये होगा बी माइनस सी का स्क्वायर, ये मेरे पास होगा यहाँ पे सी माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देन दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, सो वी कैन से इक्वल टू बी, बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू सी, सी माइनस ए इक्वल टू जीरो, इट मीन सी इक्वल टू ए। वट इज द मीनिंग ऑफ दैट, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस पॉइंट को आप सारे बच्चे साफ साफ नोट कर लो, यहाँ पे सी माइनस ए, तो ये कंडीशन थे, आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है, और हम हमारी मर्जी अगर इक्वल है, एक लिखे दो रखे तीन रखे, वो हमारी मर्जी है। अब ये भी पता होना जरूरी है कि अगर मैं बोल दूं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है x को जीरो रखना पड़ेगा, y को भी जीरो। अगर मैं लिख दूं x प्लस वन का होल स्क्वायर है प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब है x प्लस वन इक्वल टू जीरो और y माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसके अंदर कोई भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक दो तीन चार या माइनस में भी रखूंगा, स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करने पर वैल्यू बढ़ जाएगी और माइनस वाली प्लस में हो जाएगी, समथिंग के अंदर समथिंग ऐड होगा, जीरो तो नहीं आएगा। जीरो तभी आएगा जब जो वैल्यू है वही हमारी जीरो, ठीक है। ये समझ आया होगा, तो आपको समझ आया होगा कि ये वाला पॉइंट हमने क्यों जीरो रखा, क्लियर। इसको भी नोट कर लो, वीडियो पॉज कर करके कर लेना। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है सेकेंड टाइप का। अब आपने देखा ये वाला डाटा इसके बराबर है, देखते ही दिमाग में आएगा कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो यहाँ पे हम दोनों चीजें लगा सकते हैं। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए को तो ए मानो, b इक्वल टू ए है उसको भी a मान लो, c इक्वल टू ए है उसको भी यहाँ पर a मान लो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2a by a, कट जाएगा तो आंसर आपका 2 आएगा, ये आपका सही उत्तर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर a इक्वल टू b इक्वल टू वन इक्वल टू c इक्वल टू वन, इसको यहाँ पे फिल करना है तो भी आपका आंसर जो है वो आपके पास यही आने वाला है 2। वो हमारी मर्जी है कि हम इसको कैसे करेंगे, बट आपको ये डाटा जो है ये देख कर ही पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये वाला क्वेश्चन आप सारे बच्चे वीडियो पॉज करके अपना आंसर चेक कर लो, स्टार्ट करते हैं। अभी इसका आंसर हमें देखकर ही पता चल रहा है सारे बराबर हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सबको 1 1 1 लिख लें ए बी सी को, तो यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, यहाँ पे लिखेंगे ये हमारे पास 4 इंटू 1, यहाँ पे लिखेंगे ये भी हमारे पास 1 आएगा। यहाँ पर आप देखोगे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे कितना आएगा टोटल 1 बाय 1, तो आंसर कितना आएगा इसका 1 आएगा, ये आपका सही उत्तर है। जरा चेक कर लो सारे स्टूडेंट सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते, 10 नंबर का एक और क्वेश्चन ध्यान रखना पड़ेगा, इसको बेसिक से करेंगे, लेंथ ही पड़ेगा, बट आप सारे बच्चे देखो, अगर मैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 रख दूं, तो यहाँ पे आप इस कंडीशन को चेक करो, 1 बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3। किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इधर इक्वल टू के इधर, ऐसे ही आप इधर चेक करो, 1 बाय 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय 1 इंटू 1 प्लस 1 बाय 1 इंटू 1, तो ये भी मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 बाय 3, क्लियर है, सॉरी 1 बाय 3 नहीं, ऊपर 1 प्लस 1 करेंगे 3 आ जाएगा, तो इसके बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड के, मतलब ये जो वैल्यू है हमने सही फिल की है। अगर ये वैल्यू सही है तो यहाँ पर सीधा फिल करो, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आपका 2 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी सेम है, ठीक है, मतलब वैल्यू पुट से काफी आसान चीजें हो सकती हैं कई बार देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 11। अभी CDS SSC के पेपर में ये भी क्वेश्चन आ गया था कि अगर ये तीनों दोनों आपस में बराबर है तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। हमें पता है तीनों के तीनों बराबर हो जाते हैं, आंसर आ गया सीधा, 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है ये, पढ़ के सीधा देखकर आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा मुसीबत में डाल सकता है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन है अगर भाई ऑप्शन से भी करोगे तो भी नहीं कर सकते, तो इसको करने का ये एक ढंग सीधा सीधा है कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे ना स्केयर वैल्यू गिवन है। भाई इसके ना फॉर्मूले अभी तो नहीं है हमारे पास, यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले एक क्लास में साइड बाय साइड सारे लिखवा दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो कि a प्लस बी प्लस सी का अगर स्केयर करें तो वो होता है a का स्केयर बी का स्केयर सी का स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी ट्वाइस ऑफ सी ए, और यहाँ पर अगर हमने इसका स्केयर किया है तो राइट लेफ्ट हैंड राइट हैंड सारे वाले का भी स्केयर होगा, यहाँ पे इसका भी स्केयर होगा, तो इसका स्केयर करेंगे कितना आएगा 48, 4 का स्केयर 16, 16 इंटू 3 48। अब सारे बच्चे खुद चेक करो, जो हमारे पास ये वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू 16 गिवन है, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 16, और इसमें से ना 2 कॉमन निकाल लोगे
इसमें से 2 हमारे पास यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, तो आप सारे बच्चे चेक करोगे, 16 उधर जाके माइनस होगा 32, 32 2 से कट जाएगा, तो ए बी और बी सी और सी ए किसके बराबर आएगा यहाँ पे 16। ये आपने खुद कैलकुलेट करना है, इधर आके माइनस होगा 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16। अब ये डाटा आने के बाद आप सारे बच्चे बताओ, हमारे पास ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर भी तो 16 ही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके बराबर ही तो है। अगर बराबर है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर है, क्योंकि ये दोनों 16-16 आ गए। और अगर ये चीज आ चुकी है तो मैंने बताया था ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, इसका मतलब तीनों के तीनों वेरिएबल सेम होंगे, तो रेशो आपकी ए आएगी ना 1:1:1, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते, यहाँ पर आपकी थर्ड टाइप शुरू हो रही है, सेकंड टाइप खत्म है, इतनी छोटी छोटी टाइप्स हैं आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थर्ड टाइप आपके पास है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका क्या होगा, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई आप कर लिया करो, ठीक है, ताकि मुझे बार बार ना बोलना पड़े, आपको ये पता ही लग जाए। जब मैं पर 2 की पावर 16 लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे होंगे सर मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करोगे फंस जाओगे, और मान लो ये कर भी लिया तो आगे वाला 3 वाला है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वाले में फंसोगे, समझ रहे हो ना। तो आपको इसको बेसिक से सीखना पड़ेगा एक बार, ताकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है वो आ जाए। जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 2-1 से मल्टीप्लाई, 2-1 से डिवाइड करना है, मतलब एक ही नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। वैसे तो डिनोमिनेटर में कोई खास फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, बट न्योमिनेटर में काफी ज्यादा जो है वो फर्क जो आपको यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है। न्योमिनेटर तो 2-1 करें, डिनोमिनेटर तो 2-1 करेंगे, 1 हो गया खत्म, 1 को तो लिखो ना लिखो। बट यहाँ पे देखो, ये हमारे पास ए है, ये बी है, और ये ए है और बी है, ए माइनस बी, ए प्लस बी है, तो फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। आगे वाला डाटा जो है वो सेम ही लिख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टैंड हो गया सबको, इतना आपको अंडरस्टैंड होना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अंडरस्टैंड। तो ये फॉर्मूले आपको लगाने जो है वो आने चाहिए, फिर आप इसका भी एलसीएम लोगे, फिर आप लास्ट वाले का भी एलसीएम लोगे। तो मैं यहाँ पे रिजल्टेंट लिख रहा हूँ कि रिजल्ट क्या बनेगा, ऐसे करते करते रिजल्ट बनेगा 2 की पावर 16 माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ पर आपको समझा देता हूँ ये कैसे बना, क्योंकि आप काफी बच्चे बोलेंगे सर जल्दी जल्दी कर दिया, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको एलैबोरेट कर ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2 की पावर 16, यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी, तो हम बोल सकते हैं कि a का स्केयर माइनस बी का स्केयर, यहाँ पे आएगा 2 की पावर 8 प्लस 1। यहाँ पर आप फिर से चेक करोगे a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये आएगा 2 की पावर 16 माइनस 1, क्लियर, a का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अब जब माइनस अंदर जाएगा तो 2 की पावर 16 माइनस 2 की पावर 16 प्लस 1 होगा, ये आपस में कटेगा तो आंसर क्या आएगा इसका, प्लस का 1 आएगा, दैट इज द राइट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आई होप सारे बच्चों ने इसको समझ लिया होगा, नोट जो है वो सारे बच्चे खुद ही कर लिया होगा, ताकि आपको हर एक कहानी स्ट्रक्चर जो है वो समझ आ रही है प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 14, अब 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपने सारे बच्चों ने इसको घर से कर लेना है, खुद करना है सॉल्व, ठीक है, ये आपका इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मत सोचना इसकी पीडीएफ आएगी, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पेन पे सॉल्व कर लो, नहीं सॉल्व होएगा डाउट सेशन आएगा तब आपका लिखा होना चाहिए कॉपी पे, और डाउट में मुझे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे 3 की पावर 16 है हमारे पास, यहाँ पर हमें पता है कि हम क्या करेंगे, इसको 3-1 से 3+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो बन जाना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 3-1 नहीं आएगा, 3 सॉरी प्लस नहीं आएगा, नीचे आपका माइनस आएगा ना, 3-1 से मल्टीप्लाई 3-1 से डिवाइड करेंगे तभी तो कट के बैलेंस इक्वेशन बराबर होगी। तो यहाँ पे आपने बाकी डाटा का एज इट इज लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है बाकी डाटा में, तो यहाँ पर आप देखोगे a माइनस बी, ए प्लस बी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास a का स्केयर माइनस b का स्केयर, फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला सेम लगेगा, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आ सकती इस वाले फॉर्मेट में। गलती यहाँ पर ये होती है डिनोमिनेटर को भूल जाते हैं, डिनोमिनेटर में 2 भी तो बचेगा ना, 3-1, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ऊपर तो फिर फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर का लगेगा, यहाँ पर ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो उसका रिजल्ट आएगा उसका इसके साथ, जो उसका रिजल्ट आएगा उसका इसके साथ, तो रिजल्टेंट में लिख रहा हूँ यहाँ पे सीधा अभी के लिए, ये आपने सॉल्व करके देख लेना है,
वो आएगा मेरे पास 3 की पावर 16 माइनस 1/2। जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2 × 3 की पावर 16 माइनस 3 की पावर 16 माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय 2। जब ये दो बार है, ये एक बार है, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर 16 + 1/2। ये आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर, नोट करो जल्दी से, आगे पढ़ते क्वेश्चन को, नोट आप खुद ही कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। वीडियो को पीछे जाकर आप दोबारा से भी इसको नोट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो ध्यान से करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी यहाँ पे फोर्थ टाइप आ चुकी है, फोर्थ टाइप यू हैव टू स्टडी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इस टाइप के ऊपर। एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आने दोबारा शुरू हो चुके हैं, तो सीडीएस वाले भी ध्यान रखें। डिफिकल्ट नहीं है, आसान है करने के, इसके दो सिंपल से तरीके, ठीक है। पहला तरीका, हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि जब हम ए को इधर 16 को इधर लेकर आएंगे तो ए माइनस 16 इक्वल टू 0। एक तो ये तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ए को हम यहाँ पे 16 को उधर ले जाएंगे, ए माइनस 16 लिखेंगे तो भी आपका आंसर आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। बट हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इससे भी सिंपलेस्ट वे में जाना है। जैसे ए की पावर 4 है, ठीक है, हमें यहाँ पर ये पता है यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, तो 17 को 16 + 1 लिखा जा सकता है यहाँ पे। इतना तो क्लियर है हर एक बच्चे को, इतना तो क्लियर होना ही चाहिए ताकि पता चल जाए 16 को 17 + 1 लिखेंगे तो भी तो बात सेम ही है। और लास्ट वाले को भी लिखना चाहो लिख लो, ये वाला ए है, इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो ये तो चलो ए आएगा, ये 17 को चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास यहाँ पर ए का क्यूब है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास है ए 16 की वैल्यू को मैं ए फिल कर दूंगा यहाँ पे। अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा 1 की पावर 3 से तो 1 की पावर 4 हो जाएगा, 16 को मैंने ए फिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए का क्यूब। ये 16 है, ए है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए का क्यूब। प्लस प्लस है तो यहाँ पे आएगा प्लस ए का स्क्वायर, आगे आएगा माइनस ए का स्क्वायर, माइनस ए प्लस ए। पता चला कैसे सॉल्व किया। अब देखो सीरीज बन गई, प्लस का है माइनस का है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सारे कट गए तो आंसर क्या आएगा, -10 आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कई बार स्टूडेंट याद ही कर लेते हैं सर -10 ही आंसर होगा, हमेशा पीछे वाला आंसर होगा। नो, ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार नहीं भी होगा, ठीक है ना। तो आपको इस प्रोसेस से ही करना है, यही इसका शॉर्टकट है, यही इसका बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 19 ये वाला आपने खुद कर लेना है होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 20 इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने बोला था 20-20 क्वेश्चन का हम सेट बनाएंगे, ठीक है। सो अगर आपके पास ए की वैल्यू 99 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सारे बच्चे देखो 100 है, 100 को क्या लिख सकते हैं, 99 + 1 लिख सकते हैं, क्लियर। और यहाँ पर ए का क्यूब, यहाँ पर भी ऐसे लिख देते हैं 99, फिर यहाँ पे आ जाएगा +1, और यहाँ पे आएगा ए का स्क्वायर, यहाँ पे भी आपके पास आएगा 99 + 1, यहाँ पे आएगा ए +65। अब सारे बच्चे खुद चेक करो, जो हमारे पास 99 है वो है तो ए, ए को ए के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे -a की पावर 4 आएगा, आगे आपके पास यहाँ पर क्या आएगा माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ए का क्यूब, यहाँ पे प्लस का ए का क्यूब, माइनस ए का क्यूब, ठीक है, प्लस का सॉरी। फिर आगे आएगा मेरे पास यहाँ पे माइनस ऑफ ए का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस ऑफ ए +65। अब ये वाला सारा डाटा अगर आप कट करने लगे जाओगे लास्ट में आपके पास ये डाटा बचेगा, और माइनस ए का मतलब है -99 + 64, क्योंकि ए की वैल्यू तो हम यही उठाएंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा -34। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ना कि पीछे वाली यूनिट, क्लियर है। कई बार ये चीजें कटेंगी, कई बार ये बचेंगी, तो आपको उसके हिसाब से देखना होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला रिकॉर्डिंग सेशन अच्छा लगा होगा। जैसे भी ये रिकॉर्डिंग सेशन लगा, फास्ट जरूर है, आप उसका रिव्यू है वो कमेंट में जरूर दें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको ये चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।